ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد بن عبده رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين على رف مقام پیغمبر دے على رف مقام پیغمبر دے سن مصطفیٰ دے لوگو شان وکھری بن کے جہان لئی رحمت وچ قرآن دہن بیان بکرے
ते चश्मे उंगला चो जारी हो जांदे अकल फिकर ते सोच बया वखरे आए बन के जहाना लई रहमत हिन सोने अल्लाह दे इनाम वखरे ते मैं पुछया ईद दे चन कोलो किसे तैनू भी ईद कराई उस आखिया मेरी जिंदगी दी एक रात एहो जी आई ते कदी मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगली हिलाई ओदी उंगली दे नाल इशारे दे मैं टुट के ईद मनाई हमदो सना तारीफ कबरियाई बुजुर्गी यकताई अल्लाह माल के अर्जो समा दे वास्ते जिवकार अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू अशरफुल मखलूकात दे अंदरों पैदा करके मुसलमान बना करके अज इस मस्जिद दे अंदर आ करके जुमा पढ़न दी तौफीक अनायत फरमाई। इस पुरफितन दौर दे अंदर नेकी करना बहुत मुश्किल हो चुकी है हर इंसान वास्ते। माशरे के अंदर फितने आम हो गए ने, लड़ाई झगड़े आम हो गए ने, हर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, हर घर के अंदर फितने फसाद, इतना पुरफितन दौर आ गया कि बहन बहन को जुदा हो गई है, भाई भाई को जुदा हो गया, बेटा बाप को जुदा हो गया, बाप बेटे को जुदा हो गया, मियां बीवी दे आपस के अंदर लड़ाई झगड़े, माशरे के अंदरों खुशहालियां खुशगवारियां खत्म हो गई, इतना पुरफितन दौर आ गया कि दो भाई आपस के अंदर बैठ करके खाना मुश्किल हो गया, मिल करके चलना मुश्किल हो गया, बुगज कीने हसद आम हो चुके हैं, माशरे के अंदर बिगाड़ आम हो चुके हैं और माशरे नो बिगाड़न दा जरिया साडियां ही कमियां कुताइयां ने। तो माशरे नूं खुशगवार बनाउण वास्ते अज इंशाअल्लाह तुहाडे सामने चंद उसूल अल्लाह दे कुरान दे सामने रखांगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू और तुसा अहबाब नू सुन करके समझ करके इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहली बात ज़हन दे अंदर ए होनी चाहिदी है कि खुशगवार माशरा क्या किनू जानदा है। खुशगवार माशरा उदों बनदा है जदों हर बंदे दी दूसरे बंदे कोलो इज्जत भी महफूज होए, माल भी महफूज होए, उसका जिस्म भी महफूज होए, जिदों हर बंदे दी दूसरे बंदे को इज्जत भी महफूज होएगी, माल भी महफूज होएगा, उसकी जुबान को उसके हाथ को जिदों दूसरा बंदा महफूज होएगा, हर बंदा ही जहनी और दिली सुकून के अंदर होएगा और माशरा खुशगवार खुद ब खुद बन जाएगा। जदों एक बंदे नूं पता है यार मैं बाहर निकलना है, मैनू लोगों ने तानो तशनी करते रहना है,
मेरिया गीबतां ही हुंदियां रहणियां, मेरे बारे लोगों ने गल्लां ही करदा रहना, लेकिन उदों इंसान खुश नहीं हो सकता। ज़हनी तौर पर भी परेशान होएगा, दिली भी परेशान होएगा, उदों हर बंदा ही परेशान नज़र आएगा और माशरे का बिगाड़ खुद ब खुद बन जाएगा। तो चंद उसूल इंशाअल्लाह अल्लाह दे कुरान दे तुहाडे सामने रखांगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सुन करके समझ करके इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते गौर करना। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का नाम है ते उम्मती इंज खिल जाया करदा जिमें गुलाब का खुल खिल जाया करदा। ऐ उम्मतिया मेरे पैगंबर का नाम है दरूद मुहब्बत नाल प्यार नाल ज़ौक नाल शौक नाल ते सारिया पढ़ना है जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे सीने पाक ते नाजल होन वाला अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे है। सूरतुल हुजुरात नबी पाक अली सलातो सलाम दे सीने पाक ते नाजल होन वाली ए सूरत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनो इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनो अन तुसीबो कौमन बिजहालतिन फतुसबिहो अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, लोगो जिड़े ईमान लेकर के आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनो ए ओ लोगो जिड़े दारा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो गए ने, ए ओ लोगो जिड़े ईमान लेकर के आए हो, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनो, जिदों तुहाडे कोल कोई खबर आ जाए, जिदों तुहाडे कोल कोई पैगाम आ जाए, जिदों तुहाडे कोल कोई मैसेज आ जाए, जिदों तुहाडे कोल कोई खत आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने उस दी तस्दीक करनी है, उस दी तहकीक करनी है। तस्दीक तो बगैर उस ते अमल नहीं जे करना, तहकीक तो बगैर उससे अमल नहीं जे करना। अल्लाह जी ए लोग पूछना चाहते ने, अगर इसी तस्दीक कर लवेंगे तहकीक कर लवेंगे सानू फायदा की होएगा। अल्लाह फरमाते ने, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनो अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह फरमांदे ने, जदों तस्दीक कर लवोगे तहकीक कर लवोगे, जहालत कोलो बच जाओगे, नदामत कोलो बच जाओगे, बदगुमानी कोलो बच जाओगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अजकल माशरे दा बिगाड़ हुंदा ही इत्थों शुरू है, माशरे दा बिगाड़ हुंदा ही इत्थों शुरू है। एक बंदे ने फलां दे बारे गल कर दी, यार गल ते मेरी तू सुन लईए, गल ते मैं कर दी है, लेकिन उहदे कोल जाके यार तहकीक ना करी, क्योंकि मेरी भी माशरे के अंदर कोई इज्जत है ना, मोहल्ले के अंदर मेरी भी कोई इज्जत है। एवें फलां नूं फलां दे बारे भड़काई जा रहा है, फलां नूं फलां दे बारे गीबतां करी जा रहा है,
बदगुमानियां करी जा रहा है, नफरता फैलाई जा रहा है, और बंदा शुभे दे अंदर शक दे अंदर आ करके रिश्तेदारियां खत्म कर लेंदा है, शक दे अंदर आ करके भरा भरा तो जुदा हो जांदा है, शक दे अंदर आ करके बहन बहन कोलो जुदा हो जांदी है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो बंदा तहकीक करेगा इस गुनाह कोलो बच जाएगा, इस नदामत कोलो बच जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी पाक अलैहि सलात व सलाम फरमांदे ने बंदा तस्दीक करन तो बगैर कदी गल ते अमल ना करे, कदी ना करे ना, क्योंकि बंदे दा अपना भी नुकसान हो जांदा है, ते जेड़ा बंदा गल करदा है उस दी तहकीक नहीं कीती उसका भी नुकसान है। क्यों नुकसान है? जो तहकीक करोगे उस तो बाद बिला तहकीक गल नहीं जे करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगला नबी अली सलात व सलाम दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान दा दूसरा उसूल सुनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वा इन ताइफतान मिनल मुमिनीन क़तलो فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے معاشرے والیو، اے لوگو، جدوں تسی معاشرے نو خوشگوار بنانا چاہو، معاشرے نو خوشحال کرنا چاہندے ہو، آپس دے اندر صلح کروا دیا کرو۔ جدوں مومنین دے دو گرو آپس دے اندر لڑ پین، انہاں دی صلح کروا دیا کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ بندہ محلے دے اندر رہندے ہو یا ناراضگیاں ہو ہی جا ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਿਰੋਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਪੈਣ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਓਗੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ابن دعود دے اندر روایت موجود ہے، ابو دعود دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اج تانوں ایسا عمل نہ دس دیواں جڑا سارے نیک امال نفلی نیک امال انہاں تے باری نے، نفلی امال جتنے بھی نے انہاں سارے تے باری عمل، چھوٹا جیا عمل ہے۔ اے میرے صحابہ کیوں نہ تانوں او عمل دس دیواں؟ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی دسو نا کیڑا ایسا چھوٹا جیا عمل ہے لیکن سارے نفلی اعمال نالو زیادہ اجر رکھن والا، فضیلت زیادہ رکھن والا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جدوں دو گروہ آپس دے اندر لڑ پین انہاں دی صلح کروا دیا کرو۔ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਈ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਯਾਰੋ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਝੂਠ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ
झूठ बोल रहा के भाई जान तू एवं नफरत करी जा रहे ना। मैं जदों भी तेरे भाई दे कोल बैठा तेरिया तारीफा सुनिया ने, तेरिया तारीफा सुन करके मैं तेरे कोल आया वा ना। अल्लाह को अकबर ला, झूठ बोली जा रहे, नफरत बड़िया ने लेकिन झूठ बोल करके उन्हें सुलह करवाने वास्ते झूठ बोली जा रहा है। वो यार तू एवं नफरत करी जा रहा है, वो तेरा भाई ते तेरे ना बड़िया मुहब्बत रखने वाला है ना, वो तेरा भाई ते तेरिया बड़िया तारीफा करने वाला है ना। इधरों दूसरे भाई नू जा करके कहन लग्या, वो यार तू एवं ही बारे बदगुमानियां रखने वाला है, यार तू एवं ही नाराज होया फिरना है, एवं ही नफरत रखी फिरना है। वो यार जदों भी मैनू मिलदा तेरिया तारीफा कर देना, जदों भी मिलद तेरिया मुहब्बत दियां स्टोरियां सुना देना। साडे भरावां दे अंदर इतना इतफाक होया करदा सी, अज असी एवें बिगाड़ आ गया, साडे घर दे अंदर साडे भरावां दे अंदर बिगाड़ आ गया। ये झूठ बोली जा रहा है, सुलह करवाण वास्ते झूठ बोली जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसदा जमीन ते झूठ दे करके अरशे बरी ते मुस्करा रहे हुंदे ने ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्करा पैन ते बंदे नूं और की चाहिए ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह नबी पाक अली सलात व सलाम फरमांदे ने ए झूठ नहीं बल्कि इसका अजर लिखा जाएगा। नबी पाक अली सलात व सलाम फरमांदे ने जो बंदा सुलह करवांदा अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ही राजी होया करदे ने, बड़े ही खुश होंदे ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अपने बात ज़हन दे अंदर रखनी है कि कुरान दे अंदर दूसरा उसूल, पहला उसूल है जदों भी आपस के अंदर कोई गल आ जाए, माशरे के अंदर कोई बात आ जाए, उसकी तहकीक करन तो बगैर उससे अमल नहीं जो करना, माशरा खुशगवार बनन दे उसूल। दूसरा उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दा कि जदों भी दो गिरोह आपस के अंदर लड़ पैन उन्हां दी सुलह करवा दिया करो। यारो सियाने कहंदे ना आपस में कट्ठे बर्तन पैन खड़े की जाया करते ने, और नाराजगियां हो ही जाया कर दिया ने, माशरे दे अंदर रहंदिया इंसान यार गलती हो जाती है। लेकिन अज वादा करो जेड़ा जेड़ा अपने भाई दे नाल नाराज है, अल्लाह दी रज़ा दी खातर अपने भाई नू बुला लेना, अल्लाह दी रज़ा दी खातर अपने भाई दे अगे हाथ बन लेना, चाहे गलती ओदी ही क्यों ना होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाएगा ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तीसरा उसूल अल्लाह दे कुरान दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबो कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरतुमुहु वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए ईमान वालियो या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबो, अज मैं सारे उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालियां वास्ते नाजिल कीते ने। सूरतुल हुजुरात सारा पैरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशरे नूं खुशगवार बनाने वास्ते नाजिल कीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबो कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़ज़्ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ु कुंबाजा। ईमान वालियो बदगुमानी ना करया करो ना, ऐब ना टटोलिया करो ना, गीबत ना करया करो ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरतुमुहु वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह फरमांदे ने जो बंदा गीबत करदा अपने भाई दी गीबत कर रहा ना, क्या तुहाडे अंदरों कोई पसंद करदा अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुहाडे अंदरों कोई एक भी पसंद करदा अय्याकुल लहम अखीह मैतन फकरहतुमो, क्या तुहाडे अंदरों कोई एक भी पसंद करदा कि वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी वाहिद अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान कर दी। असी अजकल बड़िया गीबत करने, माशरे का बिगाड़ इतों ही शुरू हो रहा ना, गीबत करनिया शुरू कर दें। गीबत बंदा उदों करदा जदों बंदा दूसरे बंदे नूं हकीर जाने,
उस बंदे की हमेशा गिबत होएगी जिहड़ा बंदा दूसरे बंदे नूं हकीर जानदा होए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए लोगो ए ईमान वाले हो गिबत ना करिया जे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पता सी ईमान वालियां दे विच कमियां होणियां ने। अल्लाह ने ता फरमांदे या अय्यू गन्नासो ए सारे लोगो, लेकिन फरमाया या अय्यू गल्लजीना आमनो, गिबत तो बच जाओ ना, बदगुमानी तो बच जाओ ना, ऐब ना टटोलिया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने एक सहाबी आया अल्लाह दे रसूल जी गीबत किनू क्या जानदा है? नबी पाक अली सलात व सलाम फरमाते ने आन वालिया गीबत इस चीज़ नू क्या जानदा है कि कोई बंदा किसी दे अंदर दूसरे भाई दे अंदर खामी देखे और लोगों के सामने बयान कर देवे, और बहतान उसनू क्या जानता है जिहड़ी खामी भी ना होए, एवें ही उसकी कमियां कोताहियां बयान करी जानियां। और यार कमी अगर मेरे अंदर है, फलां दे अंदर है, उसनू दस, वो सही करे अपनी कमी। और यार लोगों नू दसेंगा वह कमी तेरी और सही नहीं होनी, बल्कि अपने सिर तू गुनाह लै रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहि सलात व सलाम फरमांदे ने गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी पाक अलैहि सलात व सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा गीबत करता है, गीबत करता है दूसरे बंदे दी गीबत कर रहा है, जेड़े बंदे दी गीबत कर रहा है ओदे गुनाह एदे सिर आ रहे ने। जेड़ा बंदा गीबत कर रहा है उस दियां नेकियां उस बंदे वाल जा रही ने, जिस दी गीबत होई जा रही है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह इंज करके एक बंदा करके कहन लगे ए इमाम साहब, फलां बंदा तुहाड़ियां बड़ियां गीबतां कर देना, फलां बंदा तुहाड़े बारे बड़ियां गल्लां कर देना, बड़ियां गीबतां कर देना। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने इंज करके तोहफे ताए चुके ने, खजूरां लईयां ने ते उहदे घर दे अंदर चला गया ना, दरवाजा कटकटाया कहन लग्या ऐ मैं तेरे वास्ते तोहफे लै करके आया ना। इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह नूं कहन लग्या ए इमाम साहब, मैं तुहाड़े बारे बड़ियां गीबतां करना वा ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਹਫੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੀਬਤ ਹੈ ਨਾ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ, ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਵਈਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੀਬਤ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਣੇ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕਰ, ਉਲਟੀ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੀਪ ਨਿਕਲੀ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕਰਵਾਈ, ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਆ ਖੂਨ, ਪੀਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਲੋਥੜੇ ਨਿਕਲੇ ਗੋਸ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਬਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫਤਾਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੀਬਤ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ, ਯਾਰ ਫੁਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ।
माशरे के अंदर बिगाड़, माशरे के अंदर छोटियां छोटियां गल्लां जिहड़ियां माशरे नूं खराब कर दियां ने, एक दूसरे की इज्जत खराब कर दियां ने, एक दूसरे नूं लड़ाई झगड़े के अंदर पा दिंदियां ने, बहन बहन कोलो जुदा हो जांदी है। लेकिन असी क्यों ना इस ते अमल कर लीए, अपनिया नेकियां भी बचा के रखिए, अपनिया नेकियां भी स्टोर रखिए, लेकिन अपने अमाल नूं भी अगे बढ़ाते जाइए। असी अमाल करने आ, कोई ना कोई मौका आंदा असी सारे दे सारे जाया कर बैठते, क्यों? साडे अंदर वो चीज़ ने जिहड़ी सहाबा दे अंदर मौजूद सी। इंज करके कुरान ते अमल होया करदा। हदीस नूं सुन लैना, सहाबा दी जरूरत नहीं हुंदी सी कि कदम ही अगे चुक लैना। कुरान नु सुनना, आयत नाजल हो गई है, उतनी देर तक अकली आयत नहीं पढ़ती जितनी देर तक पिछली ते अमल ना हो जाता। जो कुरान ते अमल सी उदों 22 लाख मुरब्बा मील ते एक ही हुक्मरान होया करता सी, वह भी मुसलमान होया करता सी। जो कुरान ते अमल होया करता सी, हदीस ते अमल होया करता सी, उदों 64 लाख मुरब्बा मील ते एक हुक्मरान वह भी मुसलमान होया करता सी। अज साडे घरां दे अंदर बिगाड़, घर घर के अंदर इंडिया के एक्टर, घर घर के अंदर मेरी माँ बेटी बेटी नो बंद कमरे के अंदर नाच गाने सिखा रहे हैं, सारा कुछ सिखा रहे हैं इंडिया के एक्टर। लेकिन असी क्यों ना कुरान नो अपने घर के अंदर सजाइए, कुरान नो पढ़िए, कुरान सेंटर बनाइए। क्यों? अज साडे घरां के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो गए हैं। असी कुरान नु छड़ दिता, हदीस नु छड़ दिता, अल्लाह दे दसे गए उसूलां नु छड़ दिता। जदों असी अपनी मनमानी करांगे फिर एवें जलीलो खार होंदे रहांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कुरान ते हदीस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू घरां दे अंदर कुरान पढ़न दी आदत और कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। घर दे अंदर अपने बहन बेटियां नू बच्चियां नू कुरान सिखाया करो। अल्लाह दी कसम, अज दौर है, अज तेरे कोल वक्त है, कल मर जाना, तैनू किसे ने नहीं आ करके कहना उठ मैं कुरान सिखा, किसे ने नहीं कहना तैनू कि तू फला कर गया। लेकिन तैनू गुनाह वो मिलता रहेगा जेड़ा कुछ कर सिखा करके जाएगा, बहन बेटी ने सिखा करके जाएगा। अज असी घर ते बनाने, टीवी लॉन्च ते बन सकता है, लेकिन घर के अंदर कुरान सेंटर कदी नहीं असी बनाया। कुरान सेंटर भी बनाओ घर के अंदर, कुरान वाले नाल भी मुहब्बत कराया करो, कुरान के नाल भी मुहब्बत करो। नबी पाक अली सलात व सलाम फरमाते ने, इमाम तबरानी रहिमहुल्ला एक किताब लिखते ने अल मौजिबुल औसत, तीन जिल्दा ते मुश्तमिल, तवज्जो जरा, तीन जिल्दा ते मुश्तमिल किताब। दूसरी जिल्द के अंदर सही सनद के नाल एक हदीस नकल करते हैं, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कल क्यामत वाला दिन होएगा। आखिरी बात और अपना इंशाल्लाह बात खत्म कर लगे, कल क्यामत वाला दिन होएगा कि जो कबरां फट रही होनगियां, लोग कबरां चो उठ करके अपने रब की तरफ जा रहे होंगे, और एक अचानक ऐसी कबर फटेगी जिस दे अंदरों एक शख्स खड़ा होएगा, और कबर के अंदरों निकलने वाले के सामने एक शख्स नज़र आएगा, उस दिन मुसाफा करेगा, उसको खड़ा करेगा, उठाएगा, हाल चाल पूछेगा, और कबर के अंदरों निकलने वाले ने सवाल करेगा अपनी जुबान हाल के नाल, आरफता नहीं, क्या तू मैनू जानना? तो कबर के अंदरों निकलने वाला जवाब देगा, मां आरफ तू का, मैं तेनू नहीं जानता, क्योंकि कभी पहले मिलिया नहीं, देखिया नहीं, मुलाकात नहीं हुई। ये दुनिया का भी मामूल है, कभी बंदा किसी मिलिया ना हो, किसी को तारफ करवाने तो बगैर वह कभी पहचान नहीं सकता। दोबारा फिर सवाल करता कबर वाले को, आरफ तो नहीं, क्या तू मैं जानता? कबर वाला जवाब दिंदा, मां आरफ तू का, मैं तेनू नहीं जानता। तीसरी मरतबा फिर सवाल होया, फिर कबर वाले को बाहर वाला शख्स खुद जवाब दिंदा, आना साहिबू कल कुरआन, मैं तेरा दोस्त कुरआन हाँ, जिन्हों आखिरी दम तक तू नहीं छड़िया, आखिरी दम तक मेरा साथ नहीं छड़िया, अज मैं उदों तक तेरा साथ नहीं छड़ांगा जदों तक अल्लाह अपनी जन्नत के अंदर दाखिल ना कर दे। सुभान अल्लाह, ये उदों होएगा जदों असी कुरान ते अमल करांगे, जो असी कुरान नू अपने कदम उठाने तो पहले देखिया कि यार मैं कदम उठा रहा या कुरान के मुताबिक है या मैं कुरान तो मुखालिफ चल रहा, ये उदों होएगा। और हदीस के अल्फाज ने नबी पाक अली सलात व सलाम फरमाते ने, फिर कुरान सिफारिश करेगा उस बंदे के बारे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां सिफारिश कबूल की जाएगी, और इस बंदे नू जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कुरान ते और किहड़े चंद उसूल दसे, उसूल ते सत सन, लेकिन वक्त की किल्लत करके
इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलिया बाकी भी बयान करांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू और तुसा अहबाब नू जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर समझ करके अमल दी तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस नू अपनी जिंदगी बनाने दी तौफीक अता फरमाए, सहाबा दी जिंदगियां दे मुताबिक सानू चलन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।